चंद्रकला, आपका स्वागत करती हूँ अपने गार्डन में। पिछला वीडियो में मैं आपको बल्सम प्लांट को सीड से प्लांट जर्मिनेट करना बताई थी। आज मैं आपको बताती हूँ कि जर्मिनेट प्लांट को कैसे रिपोर्ट करें। यदि आप बल्सम प्लांट को सीड से जर्मिनेट करने की विधि की जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पर आए वीडियो को देखें। इस वीडियो में बहुत जानकारी है जिससे आप सीड से प्लांट जर्मिनेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये सीड से जर्मिनेट किया हुआ प्लांट है। ये प्लांट अब रिपोर्ट करने के लिए तैयार है। इस बल्सम के प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए सही तरीका यूज़ करना है, नहीं तो ये प्लांट ख़राब हो सकते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट करने के लिए मिट्टी तैयार कर लें। मिट्टी में गार्डन सॉयल 60%, सैंड 30%, काउडंग 10%। काउडंग कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। यदि काउडंग पुराना नहीं होगा तो प्लांट खराब हो जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। गमले या किसी भी प्लांटर पॉट में जिसमें आपको बल्सम के प्लांट को लगाना है उसे अच्छे से धोकर सुखा लें। मेरे पास ये पॉट है जो प्लास्टिक के बॉटल से मैं कट करके पेंट कर दी हूँ, और इसी प्लास्टिक के पॉट में मैं इस बल्सम के प्लांट को रिपोर्ट करूँगी। इस पॉट में मिट्टी को अच्छे से डालें, जैसे कम से कम ये 2 इंच मिट्टी कम ही डालें ताकि इस प्लांट को लगाने के बाद हम इसे ऊपर से मिट्टी डालेंगे। इस प्लांटर को इस प्लांटर बैग से अच्छे से प्लांट निकालना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ। कोई भी लकड़ी से या जो भी आपके पास हो उससे अच्छे से निकालें, जिसके वजह से जड़ ना कटे निकालते वक्त, क्योंकि इसके जड़ बहुत ही नाजुक होते हैं। आप देख रहे हैं इसके इतने अच्छे जड़ हो गए हैं। इसे फिर हल्की मिट्टी स्प्रेश कर दें। अब मैं इस प्लांटर पॉट में थोड़ी सी इसके बीच की मिट्टी को साइड कर दे रहे हैं। इसे बीच में लगाएं। इस तरह आप फिर इसे मिट्टी से ढक दें और इसे हल्की हाथों से दबा दें। ये देखिए, मैं ये प्लास्टिक के बॉटल में सारे बल्सम के प्लांट को रिपोर्ट कर दी हूँ। अब इसमें हल्का सा पानी डाल दें। ज़्यादा गीला ना करें, सब में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। पानी डाल दें, उसके बाद इसे आप 1 से 2 दिन तक इसे 1-2 घंटे वाली धूप में रखें। उसके बाद इसे आप अच्छे से डायरेक्ट वाली धूप में रख दें। अब इस प्लांट को अच्छी धूप की ज़रूरत है जिससे इस प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट्स करें। तब के लिए नमस्कार।